अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जूबिया की बगिया। जूबिया की बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं दिखाती हूँ इन काली पेटियों में मैं किस तरीके से सब्जी लगाऊंगी। ये सारा किचन वेस्ट डाला है मैंने अपने यहाँ इस पेटी में। मैंने पूरे रमज़ान इकट्ठा किया था और अब मैंने सारा का सारा इस कचरे को डाला इस पेटी के अंदर। अब डाली इसके ऊपर जो मैं मिट्टी छानती हूँ उस मिट्टी को। मिट्टी छानना इसलिए भी ज़रूरी रहता है कि मोटे मोटे डले हमारे जड़ों को फैलने नहीं देते। अब ये डाला है मैंने गोबर की खाद। मिट्टी ली मैंने 50%, गोबर की खाद ली मैंने 40%। ये गोबर की खाद मेरे घर की बनी हुई है और इससे बहुत ही फ़ायदा होता है हमारी पौधों में। और अब ये डाल रही हूँ मैं 10% बोन मील। ये बोन मील है। बोन मील में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। और ये नीम खली है ये एक मुट्ठी के करीब नीम खली है। नीम खली भी हमारे प्लांट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है और फंगल लगने से भी बचाती है। और ये फंगरसाइड डाला है मैंने 1 चम्मच। ये साफ वाला फंगरसाइड है। ये भी हमारे पौधों में कोई फंगस नहीं लगने देता और जड़ों में कोई भी कीड़ा नहीं लगने देता। तो आप भी ज़रूर डालें फंगरसाइड, ज़रूर डालें। अगर फंगरसाइड नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी भी बहुत अच्छा काम करता है फंगरसाइड में। ये मैंने सारी चीज़ें मिला ली हैं और अब मैं इसमें जो मेरी बीज लगाए थे मैंने और पौध बन गई है अब मैं उसको लगाऊंगी। अब ये मैंने अच्छी तरह इसके अंदर मिला दिया है। मैं ऊपर की लेयर जो मिट्टी की डालती हूँ बस मैं उसी में मिलाती हूँ क्योंकि नीचे सारा किचन वेस्ट रहता है और जब हमारी जड़ें नीचे तक जाती है तो उसे खाद खुद ही मिल जाता है बना हुआ। ये देखे मैंने घी के कुछ सीड थे जो कि बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं, इनको मैं लगाऊंगी। ये पेटी के अंदर में एक पेटी में मैं 4 बीज लगाऊंगी जो काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये घी की बेल है जो मैंने गिलास के अंदर लगाई थी ये भी काफ़ी अच्छी हो गई है, इसको भी मैं इसमें ही लगाऊंगी। ये दूसरी मैंने पेटी लगाई है उसके अंदर में ये लगाऊंगी। और ये कुछ भिंडी के सीड हैं जो कि अच्छे से हो गए हैं, इनको भी मैं एक पेटी में लगाऊंगी। एक पेटी में मैं 3 भिंडी के ये पौधे लगाऊंगी। ये देखें आप, जब इस तरीके से इनमें 3 से 4 पत्ती आ जाए तो आप इन्हें बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। ये देखें मेरे सारे ही बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं और पौधे कितने अच्छे से बन गए हैं। ये देखें मैं अब यहाँ पर लगाती हूँ भिंडी के पौधों को। आप जब भी पौधे लगाएं तो उनको ऐसे ही ना लगाएं। ये देखें आप, बीच में ऐसे होल करें और होल करके इसको गिलास को ऐसे देखें बहुत आराम से, जिससे कि हमारी रूट्स आप हिले ना हो या टूटे ना। और इसको ऐसे ही निकाले। मेरे एक हाथ से सही से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए है। ये देखें आप इसकी जड़ें कितनी अच्छे से बनी है। ये देखें बहुत अच्छे से सारे पौधे बने हैं मेरे। ये जड़ें बहुत अच्छी हुई हैं इनके अंदर। इनको अच्छे से दबा दें जिससे कि जो एक्स्ट्रा हवा है वो इसके अंदर ना रहे और जड़ खराब भी ना हो। इन्हें अच्छे से ऐसे करके दबा दें।
भिंडी के पौधे कम से कम हमारे गार्डन में 10 होने चाहिए, जिससे कि हमें एक टाइम भिंडी खाने के लिए अच्छे से मिल जाए। एक पौधा कभी भी ना लगाए, क्योंकि एक पौधे में हद से हद हमें 10-12 ही भिंडी मिलेंगी। और भिंडी का फायदा यह होता है कि हमें ये 3 दिन के अंदर दूसरी भिंडी मिल जाती है तोड़ने के लिए। भिंडी बहुत तेजी से होती है, इसलिए आप भी अपने गार्डन में कम से कम 8-10 पौधे लगाएं, जिससे कि आपको भी एक टाइम की भिंडी आराम से हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाए। मैं अपने यहाँ पर कम से कम 10-12 पौधे लगाती हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितने पौधे लगाए हैं, और एक पेटी में कम से कम 4-5 पौधे लगाऊंगी मैं, जिसमें कि ये होता है कि एक आधा पौधा खराब भी हो जाता है कि और हमने ज़्यादा पौधे लगाए तो अगर एक खराब भी हो गया तो इससे कोई बात नहीं होती और हमें दूसरे पौधे मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप भी एक पेटी में कम से कम 4-5 पौधे लगाएं। ये देखें, मेरे सारे ही पौधे काफ़ी अच्छे से हुए हैं। ये देखें, मैंने घी की बीज एक गिलास में लगाया था। ये देखें, ये घी का बीज का ऊपर का जो वो होता है रेपर सा, पत्ता सा, वो है ये। और कितना अच्छा ये गिलास में हुई है। अब मैं इसको भी पेटी में लगाऊंगी। ये देखें, इसमें भी 4 पत्ती हो गई हैं। जब 4 पत्ती एक पौधे में हो जाए तो आप इसे बड़े गमले में लगा सकते हैं। ये देखें, मेरा कितना हेल्थी पौधा हुआ है ये। और इसको भी मैं अब बड़े इसमें लगाऊंगी अपनी पेटी में। ये देखें, इसकी जड़ें कितनी अच्छी बनी हैं। माशाल्लाह, सारी जड़ें बहुत अच्छे से बनी हैं। मेरे सारे ही पौधे जो थे बहुत अच्छे बने हैं, सारे ही बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। और ये देखें कि इसमें बहुत आराम से मैंने निकाला है कि जड़ें कोई भी हिले ना। तो आप भी बहुत आराम से अपने गिलास में से निकालें, और अगर वो ना निकले तो आप गिलास को थोड़ा सा कट करके जब निकाल दें। और ये देखें, मैं मिट्टी में कर रही हूँ थोड़ा सा होल, और अब इसको लगाऊंगी मैं इस मिट्टी के अंदर। घी की बेल भी कम से कम आपको 3 से 4 लगानी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, और अगर एक बेल पे मेल फ्लावर आए तो दूसरी पे फीमेल हो जाएंगे, जिससे कि हमें पोलिनेशन में आसानी होती है। इनमें पोलिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी हमें घिया तोड़ने के लिए मिलेगा। पोलिनेशन कई प्रकार से किया जाता है। ये देखिए, ये मेरे बैंगन का भी पौधा है। बैंगन का पौधा कितने अच्छे से हुआ है, और इसको भी मैं अब यहाँ पर पेटी में लगाऊंगी। ये देखें, इसमें तो कितनी सारी पत्तियाँ बन गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पत्तियाँ बन गई हैं। इसको भी मैं देखो ऐसे बीच में होल किया है मैंने मिट्टी में, और अब इसको भी मैं इसमें ही लगाऊंगी। ये देखें आप, इसको ऐसे धीरे से निकालें गिलास के अंदर से। ये देखो बहुत आराम से, जिससे कि जड़ें ना हिले। मेरे सारे ही पौधे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हुए हैं। ये देखें, इसकी भी जड़ें कितनी अच्छे से बनी हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह, ये भी काफ़ी अच्छा हेल्थी पौधा हुआ है मेरे यहाँ। ये मैंने ऐसे करके लगा दिया है, और इसको ऐसे मिट्टी डाली ऐसे बराबर बराबर। तो आप भी बैंगन के पौधे एक पेटी में 3 से 4 लगाइए।